नमस्ते। आज के वीडियो का पर्पस है आपको उन हिडन चार्जेस के बारे में बताना जो आपको घर खरीदते वक्त देने पड़ते हैं। तो क्या आपने कभी ये चीज़ नोटिस किया है कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या कोई प्रॉपर्टी सर्च करते हैं तो आपको उस प्रॉपर्टी के बेस प्राइस से कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। मेनली यू हैव टू ऑप्शन इन प्रॉपर्टी, फर्स्ट इज रेडी टू मूव इन और एन अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। बट मोस्टली पीपल प्रीफर टू बाई और रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी क्योंकि ये कम रिस्की होते हैं एज कम्पेयर टू अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। सो लेट्स एज्यूम कि कोई प्रॉपर्टी है जिसका रेट ₹3,000 पर स्क्वायर फीट है जो कि एक बेसिक कॉस्ट है, लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे चार्जेस होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं और वो चार्जेस 30-40% एक्स्ट्रा हो सकते हैं एंड दिस प्राइजेस आर वेरी नॉर्मल। सो लेट्स डिस्कस ऑल दिस एडिशनल चार्जेस विद प्रॉपर्टी वाला। सपोज कोई प्रॉपर्टी है जिसका बेसिक रेट है ₹3,000 पर स्क्वायर फीट विद एन एरिया ऑफ 1500 स्क्वायर फीट, तो उस प्रॉपर्टी का टोटल बेस प्राइस हो जाएगा ₹45 लाख एंड इसमें 40-15% एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड करके वो प्रॉपर्टी अराउंड ₹58 लाख से ₹68 लाख तक पड़ जाएगी जिसमें सभी एक्स्ट्रा चार्जेस इंक्लूड रहेंगे और इसे हम ऑल इंक्लूसिव प्राइस भी कहते हैं। हमें प्रॉपर्टी लेते वक्त एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि कई बिल्डर्स रेरा के आने से पहले कारपेट एरिया की जगह प्रॉपर्टी को सुपर बिल्टअप एरिया पर सेल किया करते थे, लेकिन आफ्टर रेरा यह मैंडेटरी हो गया है कि प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कारपेट एरिया पर ही सेल की जाएंगी। फॉर मोर डिटेल्स वॉच आवर वीडियो ऑन कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया एंड सुपर बिल्टअप एरिया, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर किसी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है रेरा के पहले तो भी वो प्रॉपर्टी अब कारपेट एरिया पे ही सेल होंगी। तो आइए जानते हैं क्या है वो और एक्स्ट्रा चार्जेस जो आपको पे करने पड़ते हैं। द फर्स्ट वन इज़ PLC यानी प्रिफरेंशियल लोकेशन चार्ज, जिसका मतलब होता है कि आपने कोई प्रिफर्ड लोकेशन लिया है अपने अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल अ कॉर्नर फ्लैट, पार्क फेसिंग लोअर या हायर फ्लोर्स। फॉर एग्जाम्पल किसी अपार्टमेंट से सी फेसिंग व्यू है और दूसरे अपार्टमेंट से नहीं, तो सी फेसिंग अपार्टमेंट वाले का PLC ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नॉन सी फेसिंग। इसीलिए अगर आप कोई भी ऐसी प्रिफर्ड लोकेशन लेते हैं तो आपको उस लोकेशन के लिए एक्स्ट्रा PLC चार्ज पे करना पड़ता है जो कि जनरली ₹150-200 पर स्क्वायर फीट होता है। द सेकेंड वन इज़ पार्किंग चार्ज, विच मीन्स कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी बाई करते हैं तो आपको वहाँ के पार्किंग के लिए एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी बाई की है जिसका रेट ₹45 लाख है, तो आपको पार्किंग चार्ज जो 5-7% होता है उसके हिसाब से वहाँ के पार्किंग फैसिलिटी के लिए आपको ₹2 लाख-2.5 लाख तक पे करना पड़ सकता है। द नेक्स्ट वन इज़ IDC, विच मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज। IDC कवर्स ऑल द इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट्स विद इन अ कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी ऐड किए जाते हैं। आपको बता दें कि कई डेवलपर्स इन्हें सेपरेटली चार्ज करते हैं, लेकिन इन्हें एक साथ चार्ज करने पर कम कॉस्ट लगता है, इसलिए सभी चार्जेस को एक साथ कोट किया जाता है। हाउएवर इफ़ वी ऐड देम टुगेदर इन वन प्लेस देन अकॉर्डिंग टू द IDC इनपुट चार्ज, IDC 6% एक्स्ट्रा कोट होता है किसी भी फ्लैट या हाउस का। आफ्टर IDC कुछ सिटीज़ में EDC यानी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज भी कोट किया जाता है, लाइक इन गुड़गांव एंड फरीदाबाद। बेसिकली दिस चार्ज गोज़ टू द गवर्नमेंट एंड इट इज़ फॉर द एक्सटर्नल फैसिलिटीज़ टू द कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जाम्पल सीवेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड रोड फैसिलिटीज़। देयरफॉर EDC अप्रॉक्स 5% एक्स्ट्रा चार्ज होता है किसी भी फ्लैट के बेस प्राइस से। और अगर हम यहाँ दोनों IDC और EDC की बात करते हैं तो यह टोटल कॉस्ट में 10% चार्ज होता है जिसमें ₹300-400 पर स्क्वायर फीट आपको पे करना पड़ सकता है। आगे बिल्डर्स एक कॉर्पस फंड भी कलेक्ट करते हैं जिसे हम IFMS भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी, और ये फंड रेगुलर मंथली मेंटेनेंस से बिल्कुल ही अलग होती है। देयरफॉर इन शॉर्ट ये बिल्डर्स फंड को इमरजेंसी के लिए कलेक्ट करते हैं, लाइक एनी टाइप ऑफ रिपेयर और मेंटेनेंस इन सोसाइटी। सो अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं जो ₹45 लाख की है तो उसका कॉर्पस फंड आपको ₹50,000-1 लाख तक पे करना पड़ता है। द नेक्स्ट चार्ज इज़ पावर बैकअप,
और यह पावर बैकअप हर फ्लैट पर 2 to 5 KVA प्रोवाइड कराया जाता है एंड इट्स रेंजिंग फ्रॉम 1 lakh to 1.5 lakh। अब बात करते हैं एमिनिटीज एंड क्लब चार्जेस की। तो जनरली ये चार्जेस लग्जरी फ्लैट्स में कोट किए जाते हैं फॉर द स्विमिंग पूल, जिम एंड क्लब हाउस। और इन सभी फैसिलिटीज़ को डेवलपर ₹45 lakh के प्रॉपर्टी पर लमसम ₹50,000 to ₹1.5 lakh तक चार्ज करते हैं। द नेक्स्ट चार्ज इज स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। एंड एज वी ऑलरेडी नो कि स्टैम्प ड्यूटी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, सो यू मस्ट पे दिस स्टैम्प ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द स्टेट। देयरफॉर स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्ज जनरली 5 to 10% कोट किए जाते हैं ऑफ योर प्रॉपर्टी वैल्यू। और इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज वॉच आवर डिटेल वीडियो ऑन स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द GST, जहां आपको एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए GST पे करना होता है। एंड जनरली GST इज 18% ऑन 2/3 वैल्यू ऑफ द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। देयरफॉर अगर हम GST की इफेक्टिव रेट की बात करें तो बायर को प्रॉपर्टी वैल्यू के अकॉर्डिंग GST 12% पे करना पड़ता है। एंड देयर इज वन मोर पॉइंट टू कीप इन माइंड कि GST इन फ्यूचर चेंज भी हो सकता है, बट इन टूडेज टाइम GST 12% पर ही एप्लीकेबल होता है। एंड GST is not applicable on ready to move in properties. So please watch our detailed video on GST to know more. The link is in the description. At last हम बात करेंगे ब्रोकरेज के चार्ज के बारे में जो हर बायर को पे करना नेसेसरी होता है अगर वो प्रॉपर्टी ब्रोकर के थ्रू ली गई होती है। देयरफॉर इट मीन्स कि कई ऐसी रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी ना किसी रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकर के थ्रू ली गई होती हैं, जिसके वजह से ब्रोकर चार्ज करते हैं 1 to 2% आफ्टर द फाइनल प्रॉपर्टी वैल्यू फ्रॉम द बायर्स। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।